आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जब हक पर डाका डाला जा रहा हो और साख को मिट्टी में मिलाने के लिए साजिश की बू आ रही हो, तो ऐसे में भला पीड़ित को चैन कहां मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ऐसी ही स्थिति है। चलिए पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि यहां मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ ही उनके बेटे अमित जोगी हैं। दरअसल 15 जनवरी को कोटा विधायक रेणु जोगी के बिलासपुर में बने मरवाही सदन में कर्मचारी संतोष कौशिक ने खुदकुशी कर ली थी। हालांकि असली हड़कंप तब मचा जब मामले में मृतक के भाई ने अजीत और अमित जोगी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए थाने में जाकर FIR दर्ज करा दी। हालांकि इसके बाद अमित जोगी भी बिना देरी के सामने आए और अपनी सफाई में कहा कि कर्मचारी की खुदकुशी से उनका कोई लेना देना नहीं। साथ ही उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताकर भूपेश सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, कौन सही है और कौन गलत, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही चर्चा मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां बड़ी चुनौतियों को पार करना कमलनाथ सरकार के लिए अब कुछ मुश्किल हो रहा है। दरअसल खजाना खाली होने की वजह से कांग्रेस सरकार अपने वचनों को जल्द पूरा नहीं कर पा रही। ऊपर से केंद्र ने राज्य को दी जाने वाली कई हजार करोड़ की अनुदान राशि को भी अटकाकर रखा हुआ है, जिसके चलते दुबले पर दो आसार की कहावत चर्चात हो रही है। अब ऐसे में सरकार न तो बड़ी चुनौतियों को जल्द पार कर पा रही है और न ही प्रदेश के विकास हेतु कोई नई योजनाएं ला पा रही। तंगहाली के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ आखिर कैसे प्रदेश के विकास को गति देंगे और केंद्र आखिर कब तक प्रदेश के हक का पैसा रोक सकता है, इस पर भी आज हम गंभीर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ से, जहां जोगी परिवार मुश्किल में है और वजह बताई जा रही है बदले की राजनीति। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने अपने ही कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। जोगी परिवार के दो प्रमुख सदस्यों के खिलाफ अपराध दर्ज होने पर प्रदेश की सियासी फिजा गरमा गई है। हालांकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट या CBI से जांच कराने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से साफ इनकार कर दिया है। खैर, इस गंभीर मामले को लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट देकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल बिलासपुर में जोगी परिवार के निवास स्थान मरवाही सदन में काम करने वाले कर्मचारी संतोष कौशिक ने बीती 15 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक ने किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं लिखा था, जिसके बाद संतोष के बड़े भाई कृष्ण कुमार कौशिक ने अजीत जोगी और उनके बेटे अमित को आत्महत्या का जिम्मेदार बताते हुए दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई पर चांदी की केतली चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दी गई थी, जिससे वो काफी परेशान था और निराशा में आकर ही उसने खुदकुशी कर ली। शिकायत पर पुलिस ने अजीत जोगी और अमित जोगी पर 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इधर अमित जोगी ने सफाई देते हुए कहा है कि इस दुर्भाग्यजनक घटना से जोगी परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक पुलिस सत्ताधारी दल के दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है। अमित जोगी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। FIR दर्ज करी गई है, साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा CBI से जांच होनी चाहिए। इधर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उन्होंने जोगी पिता पुत्र पर दर्ज की गई FIR को राजनीतिक प्रतिशोध मानने से साफ इनकार किया। विस्तृत जानकारी हम लोग अभी ले नहीं पाए। रही सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली का, तो न ही सरकार और न ही पुलिस गृह विभाग
कोई ईर्ष्या से या बदले की भावना से या गलत कोई कार्यवाही नहीं करता। बहरहाल मरवाही सदर में कर्मचारी की खुदकुशी करने की घटना ने जोगी परिवार के सामने एक संकट की स्थिति जरूर पैदा की है। क्या ये वाकई राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है या फिर परिजन की शिकायत में सच्चाई है, अब ये कोर्ट की प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से शैलेंद्र पाठक के साथ रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो बदले की राजनीति, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो जुड़ेंगे। जल्दी ही JCCJ के प्रवक्ता भगवानु नायक जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हमारे अनिल सिंह कुशवाहा स्टेज हेड है। सबसे पहले अनिल, छोटा सा सवाल ये, फिर हम मनोज जी के पास जाएंगे, धनंजय जी के पास जाएंगे। ये जो धारा लगाई गई है आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, ये कितनी गंभीर धारा है और इसमें क्या प्रावधान है? क्या जमानत हो सकती है, नहीं हो सकती है? कितने दिन का दंड मिलता है? अर्थदंड क्या है? इसको थोड़ा संक्षेप में जानना चाहें। देखिए, जो अमित जोगी अजीत जोगी पर जो धारा 306 का इस्तेमाल हुआ है, ये अदालत में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और इसमें जमानत नहीं दी जा सकती और अमूमन देखा गया है अग्रिम जमानत भी इस तरह के केसों में नहीं मिलती है। सेशन कोर्ट ये जरूर विचार कर सकता है कि व्यक्ति की जो आरोपी है उसकी हैसियत क्या है और परिस्थितियां क्या है केस की, उस आधार पर एक विचार कर सकता है। जहां तक सवाल है सजा का, तो 10 साल तक की सजा है और इस केस में यह है कि अगर गिरफ्तारी हो गई दोनों की और जो भी आरोपी हैं, गिरफ्तारी होने के बाद केस डायरी कोर्ट में चला गया तो उसके बाद समझौता भी जो पीड़ित पक्ष है या जो फरियादी है उसके और आरोपी के बीच में समझौता भी नहीं हो सकता। यानी जो भी है, या तो वो राहत तभी जोगी परिवार को मिल सकती है जब या तो फरियादी बयान से पलटे या फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि जो पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है और अमित जोगी अजीत जोगी का इस पूरे मामले पे कोई रोल नहीं। लेकिन लंबा इसमें प्रोसेस लगेगा और कह सकते हैं फिलहाल की मुश्किलें दोनों की काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने CBI और विस्तृत जांच की मांग की है, तो सरकार के हाथ में है कि दे कि न दे। हाँ, सरकार अगर गिरफ्तारी से पहले अगर कोई पहल करती है और वो CID जांच भी करा सकती है, मजिस्ट्रेट जांच भी करा सकती है, CBI के हैंडओवर भी कर सकती है, ये सब डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। और दूसरा रास्ता जोगी परिवार के लिए ये है कि वो ऊंची अदालत में जाए और वहां एक अपील दायर करें कि इस तरह के मामले में जांच करवाई जाए, तो एक रास्ता यहां निकल सकता है। लेकिन इसकी संभावनाएं कम लग रही, क्योंकि जिस तरीके से खबर देख रहे थे कि अमित जोगी ने खुद आरोप लगाया है कि राज्य सरकार पुराने मामलों में बदलापुर जिसको कहते हैं उस तरह की राजनीति करी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पहल राज्य सरकार की ओर से हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हम आपके पास आएंगे, हम मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, यहाँ एक बड़ा सवाल सबसे हटके एक बड़ा सवाल ये है आपसे, अभी तो JCCJ के प्रवक्ता आगे ही वाले हैं, लेकिन जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता पहले उन्होंने हामी भरी कि हम आएंगे, अनुमति दी, आपने उसे बात भी की, फिर अचानक उनका ये होता है कि इस मुद्दे पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, तो इससे तो ये हुआ कि कांग्रेस जो पिछले 5-6 साल से 8 साल से आरोप लगाती आ रही है कि रमन सरकार से जोगी जी की साठगांठ है, ऐसी जगह पे जोगी जी उनको फायदा पहुंचाते हैं जहां कांग्रेस और BJP के बीच में बहुत कम अंतर होता है, अपने वोट उधर वो शिफ्ट कर देते हैं। और जो दो बार 2003 की बात छोड़ दें, लेकिन 2008 और 2013 में अगर रमन सरकार बनी है तो उसमें जोगी जी का बड़ा हाथ था बनवाने में। ये लगभग है क्योंकि अब ये स्थिति हुई, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, उनने सोचा कि हम अगर टिप्पणी में विरोध में करते हैं तो गलत है, सपोर्ट में करते हैं तो गलत है, ये हो जाएगा कि हाँ हम मिले हुए थे और विरोध में करते हैं तो सवाल ही उठता मिले ही थे। तो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने अंतिम समय पे ये सब किया? बिल्कुल सही आकलन किया सर आपने कि अब जाकर पहले तो उनको बहुत उम्मीद थी कि जोगी परिवार या अजीत जोगी के कारण चौथी बार उनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन बाद में ये हुआ जो नतीजा है उससे ऐसा लगा कि अजीत जोगी ने कांग्रेस को ज्यादा फायदा पहुंचाया बजाय भाजपा के, और उनके बीच की साठगांठ लगभग जो है उजागर हो चुकी है। आम जनता के बीच यही परसेप्शन है कि जो है जो जोगी कांग्रेस है वो भाजपा की बी टीम है, इस तरह की बातें लगातार कही जाती है और जो है विशेषज्ञ भी इसी बात की ओर इंगित करते हैं जी। अब जाकर जो है किसी तरह से भाजपा जो है पब्लिकली इस परसेप्शन को अलग करना चाहती है और
ये एक बताना चाहती है कि हम जो है हमारा जोगी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो यही आज हमारे लिए यही आश्चर्य का विषय था कि सुबह उनके प्रवक्ता तैयार होते हैं कि ठीक है ये जो टॉपिक है कि बदले की राजनीति जो है वो सरकार कर रही है अजीत जोगी के साथ, इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए सुबह उन्होंने हामी भरी, बाकायदा अपने फोटोग्राफ जो हम प्रोमो के लिए मंगाते हैं वो फोटोग्राफ भी भेजा। लेकिन अचानक अभी आधे घंटे पहले पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनको क्या डर लगा कि हमारे डिबेट में जाने से, और स्वाभाविक तौर पे हम सरकार का के विरोध में बोलेंगे और कहीं न कहीं जोगी का सपोर्ट करेंगे, तो फिर से ये अवधारणा मजबूत होगी कि जोगी कांग्रेस और भाजपा मिले जुले हैं। तो एकमात्र यही वजह समझ में आती है जिसके कारण उन्होंने अचानक डिबेट में आने से इनकार कर दिया। लेकिन जोगी जी कोई बड़ा झटका है, सब झटका इस बात का है, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि अभिभाषण के दौरान बीजेपी ने इसका बहिर्गमन किया, हालांकि वो बहिष्कार जैसा था, बहिर्गमन सांकेतिक होता है, कुर्सी छूट के जाते हैं, घूम के जल्दी से वापस आ जाते हैं, इन्होंने पूरे अभिभाषण के दौरान बहिष्कार किया, तो उसमें जोगी कांग्रेस भी बहिष्कार की, तो वहां तो जोगी कांग्रेस साथ दिया, लेकिन जब जोगी जी संकट में है तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, मौके की राजनीति हो गई है। तो बिल्कुल, कम से कम आज जो है जोगी परिवार को ये उम्मीद रही होगी कि जिस तरह से विधानसभा में उनकी पार्टी ने भाजपा का साथ दिया, उसी तरह से इस बात पर कि जोगी परिवार पर जो है, जो कि अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं और उनसे उनके खिलाफ FIR हो गया, और खास बात इसमें ये है कि गृह मंत्री ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया कि घटना की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि एक एक्स चीफ मिनिस्टर पर कार्रवाई हो और उस कार्रवाई को पुलिस जो है आला लोगों के संज्ञान में न लाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे कि आपने कहा कि भाजपा निश्चित तौर पर इस नाजुक मोड़ पर उन्होंने अपने आप को अलग किया और जोगी परिवार को लड़ने के लिए अकेले छोड़ दिया है। ये एक्चुअल में घटनाक्रम थोड़ा सा अगर आपको विस्तार से माल का जानकारी तो घटनाक्रम बता दीजिए, फिर धनंजय जी के साथ तो बहुत सारे सवाल करने हैं। घटनाक्रम क्या हुआ है, कैसे हुआ है? जी देखिए घटना 15 तारीख की है, शाम 4-5 बजे की है, और उस समय जो उनका खानसामा है, जो जोगी परिवार का जो मरवाही सदन में पिछले 5-6 साल से नौकरी कर रहा था, उसने जो है अचानक मरवाही सदन के कैंपस में जो है फांसी पे अपने आप को लटकाकर उसने सुसाइड किया, और उसके बाद इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर में सनसनी फैल गई कि आखिर जोगी बंगले में आत्महत्या की घटना हो जाना निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला था, और एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर उसी स्थान पे उसने जो है अपने आत्महत्या, यदि किसी दूसरे कारण से वो परेशान था तो स्थान चयन वहां पर क्यों किया, इस बात को लेकर तरह तरह की बातें उठती, सवाल उठते हैं। और उस समय जो है जो जिस गांव के रतनपुर के पास किसी गांव का वो संतोष कौशिक जो मृतक था वो वहां का था, लोग काफी आक्रोशित थे और उन्होंने चक्का जाम भी किया था वहां पर, और पुलिस ने जो है पंचनामा वगैरह करके इसकी विवेचना शुरू की, और बाद में अचानक जो है एक दिन बाद जो है उनके परिजन सामने आए और उन्होंने ये कहा कि एक चांदी की केतली जो है मरवाही सदन से चोरी हुई थी, और उस चोरी के बाद से संतोष कौशिक के ऊपर शक किया जा रहा था और सीधे तौर पर जो है उसको धमकाया जा रहा था कि वो चांदी की केतली वापस लाओ नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे, और इस तरह की धमकी दी जा रही है, ऐसा उसके बड़े भाई ने जो पुलिस को बताया है उसके आधार पर, और इसी बात से वो काफी परेशान था, निराश था, और इसी निराशा में आत्महत्या करने की बात जो है उनके परिजनों ने कही है, और सीधे सीधे जोगी परिवार पर आरोप लगाया है कि जोगी परिवार के कारण ही उसने सुसाइड किया है, और इसलिए उनके खिलाफ पुलिस ने इसी को ग्राउंड बनाकर ये अपराध पंजीबद्ध किया है। 15 तारीख को होती है, आज 18 तारीख, मतलब 17 तारीख को ही FIR दर्ज हो गई, मतलब 2 दिन के अंदर ही FIR भी दर्ज हो गई जोगी जी पे, और वो संतोष कौशिक क्या जोगी सदन में ही रहता था? हाँ, वो वहीं रहता था, पिछले 5-6 साल से वहीं पे वो नौकरी करता था और खानसामा का काम करता था, इस तरह की जानकारी पुलिस ने दी है। चलिए धनंजय जी, जोगी कांग्रेस अभी आने वाले हैं, लेकिन उनका कहना है, राजीव जोगी ने खुद कहा कि राजनीति षड्यंत्र है, और बदलापुर की जैसे बीजेपी कह रही है कि बदलापुर हो गया है छत्तीसगढ़, क्या कहेंगे आप? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व विधायक, दोनों के खिलाफ FIR इस तरह से हो जाए, 15 तारीख की घटना, 16 तारीख पूरी जांच हो, 16 हुई, 17 तारीख को रात में FIR भी दर्ज हो गई,
मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत कुमार योगी जी, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। जी जब भी कानून अपना काम करता है तब इसी बदलापुर बदलापुर की भाषा बोलकर बदलापुर बदलापुर बोलकर जनता का ध्यान जो इस पूरे मुद्दे से पूरे घटनाक्रम से हटाने का जो एक कुचित रचना रचते हैं उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी भी सिर्फ बदलापुर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी घटनाक्रम को आप देखते हैं तो उनके जो मरवाही सदन है वहाँ का कर्मचारी वहाँ सुसाइड कर लेता है, उस कर्मचारी के परिवार के लोग जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता है उस शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया पे कार्रवाई की जाती है और जांच अभी उसमें चल रहा है। तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रहा है, एक कर्मचारी की मौत होती है वहाँ पे, तो और इस पूरे घटनाक्रम से ध्यान हटाने पर बदलापुर कह देना या राजनीतिक प्रतिशोध की बात कर देना एक प्रकार से न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। बाधित माने छत्तीसगढ़ में इतना सब कुछ राम राज्य बढ़िया चल रहा है कि अगर कोई शिकायत होती है मुख्यमंत्री हो पूर्व मुख्यमंत्री हो मंत्री हो सबके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, ऐसे में तो बधाई के पात्र है सरकार आपकी। देखिए त्रिपाठी जी, इसमें घटनाक्रम आप देखते हैं तो 15 तारीख की घटना है, पंचनामा होती है, पंचनामा के बाद जब पुलिस में जांच पड़ताल करती है उसके बाद पीड़ित का परिवार जो आता है वो जो शिकायत दर्ज कराता है, तो इसी पीड़ित को न्याय दिलाना और पीड़ित को न्याय मिले किसी साथ न्याय न हो कानून काम है, पुलिस प्रशासन उसी काम को अपने कर रही है और आगे जो है जांच में बाकी चीज का खुलासा होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व विधायक पे प्रकरण दर्ज होता है और आपके गृह मंत्री को पता ही नहीं? नहीं नहीं, गृह मंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रकरण की जानकारी लेंगे, पता वाली बात नहीं है कि पहले दिन की घटना होती है उसके बाद जो शिकायतकर्ता लोग जाते हैं तो पूरी जब जानकारी ली जाएगी उसकी और जो भी जानकारी आएगी उस आधार पर आगे बात की जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक अति संवेदनशील मामला है, इसलिए जब तक पूरी आधारित जानकारी ना हो तथ्य का तब तक किसी से ज्यादा कुछ बोलना उचित भी नहीं रहता। बिल्कुल धनंजय जी, अति संवेदनशील मामला है इसलिए FIR पहले दर्ज हो गई, जानकारी बाद में आएगी। भगवान जी, बदलापुर की बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रही, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो। ऐसी स्थिति में अगर उनके भाई मृतक के भाई अगर दर्ज कराते हैं रिपोर्ट तो रिपोर्ट तो दर्ज होगी, FIR भी दर्ज होगी, फिर ये कहां राज्य से प्रेरित हुई? देखिए निश्चित रूप से मरवाही सदन में जो घटना घटित हुई है वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, पीड़ित परिवारों के साथ हम हैं, लेकिन जितनी तत्परता के साथ पुलिस के द्वारा दबाव में आकर के जोगी परिवार के विरुद्ध जो अपराध दर्ज की है ये छत्तीसगढ़ की जनता ये स्पष्ट रूप से देख रही है कि इस प्रदेश में एक अपहारी एक एक, एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है, 9 दिन से उसका पता नहीं चला, कितने हत्याएं कितने छेड़खानी और कितने बलात्कार के मामले आज छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है, छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है। इतनी तत्परता से अगर ये प्रत्येक मामले में अगर ये काम करती पुलिस तो शायद छत्तीसगढ़ आज अपराध मुक्त होता, लेकिन जोगी जी एक ऐसा परिवार है इनके खिलाफ इनके राजनीतिक जो विरोधी है वो रात को 1:30 बजे इनके खिलाफ FIR हो जाती है, मतलब एक सामान्य से व्यक्ति भी अगर कोई एक कंप्लेन लेकर के जाता है तो वो जो है FIR तुरंत होती है उनके खिलाफ। देखिए ये पूरा मामला पुलिस ने दबाव में आकर के बनाया और हम तो कहते हैं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, CBI जांच हो, न्यायिक जांच हो, हमारे नेता ने भी मांग की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, न्यायिक जांच हो, हम तैयार है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको इस पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है? जो जांच करके ही तो किया होगा आप भाई, जब मृतक का भाई रिपोर्ट लिखवा रहा है बोल रहा है कि एक चांदी की केटली चोरी हुई थी जिसको लेके उसको काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, तो फिर इसमें और अब जांच की क्या जरूरत है? आपने कहा राजनीति, मैंने आप सवाल किया राजनीति से कहां प्रेरित हुआ? देखिए सबसे पहले तो ये बात ये है कि पुलिस ने जो इतनी तत्परता दिखाई है सबसे पहले पुलिस को इसकी जांच की जानी चाहिए, घटना वास्तव में है क्या, क्या वास्तव में कोई सुसाइड नोट तो नहीं है, क्या इसमें जो पोस्टमार्टम है उसमें क्या घटनाएं सामने आ रही है, क्या बातें हो रही है, मतलब आप एक एक FIR मतलब एक तुरंत कोई आदमी सूचना दे रहा है उसको घटना की बिना जांच किए कि अपराध वास्तव में है क्या, कारित हुई है कि नहीं हुई है, वहां के जो और भी जो कर्मचारी है जो वहां पर रहते हैं उन लोगों से बिना पूछताछ किए तुरंत FIR करना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्वक जोगी परिवार के खिलाफ ये मामला बनाया गया। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ
कि जोगी जी से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति है उनके उनके साथ काम करने वाला अपने आप को गौरव महसूस करता है और वो कहता है कि जोगी जैसा कोई नहीं है और जोगी जी चाहे वो एक छोटा सा कर्मचारी क्यों ना हो सबको अपने परिवार के सदस्य मान करके उनके साथ काम करते हैं उनके साथ बैठ करके खाते हैं। ऐसे में इतना गंभीर आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं एक दुर्भावना और एक राजनीतिक षड्यंत्र ये स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो संतोष कौशिक जो मृतक है उनके भाई को सरकार ने प्रेरित किया कि तुम रिपोर्ट लिखाओ और आप कह रहे हैं कि इतना तत्परता से चलिए तत्परता नहीं चार छह दिन बाद रिपोर्ट लिखाते तो सही हो चार छह दिन बाद और मान लीजिए दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद अगर FIR दर्ज होती तब सही था। देखिए हमारा ये कहना है आप सबसे पहले घटना की वास्तविक वस्तुति को देख लेते वहाँ के जो और भी जो अन्य जो वहाँ कर्मचारी है उनसे छानबीन करते और भी जो अपराध घटित होने के लिए अपराध घटित होने के लिए जो चीजें जो सामने आना चाहिए जो फैक्ट जो है जो साक्ष्य है वो कम से कम एक बार देखना चाहिए था। और अपराधी कोई भी हो किसी के खिलाफ भी कोई भी अपराध करता है आपने जैसा कहा कि कानून सबके लिए बराबर है निश्चित रूप से हम तो इसीलिए कह रहे हैं आप आज बड़ी से बड़ी संस्था में जांच करवाइए CBI से करवाइए आप न्यायिक जांच आयोग कीजिए बिल्कुल हम तैयार है। भाई ये तो सामान्य अगर आत्महत्या से जुड़ा मामला है आत्महत्या से प्रेरित करने का तो यह पुलिस भी जांच करके कर सकती है। जी धनंजय जी आप कुछ कह रहे थे जब भगवान जी कुछ बोल रहे थे। त्रिपाठी जी अभी पखवाड़े घर पहले राज्य के DGP ने जी सभी पुलिस अधीक्षकों से IGO की बैठक लेकर एक निर्देश जारी किया है कि जो भी पीड़ित आते हैं जो भी इनको शिकायत आती है उस पर तत्काल FIR किया जाए और एक उन्होंने एक नंबर भी जारी किया एक सेल भी गठित किया कि अगर उनके थाने में उनकी बात नहीं सुनी जाती अगर उनको कहीं FIR में दिक्कत जाती है तो सीधा DGP पास शिकायत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कानून अपना व्यवस्था बना के काम कर रहा है और इसी तरीके से आप देखेंगे तो एक पीड़ित का भाई जाता है पुलिस के पास में वो शिकायत दर्ज कराते FIR दर्ज की गई है और पूरे प्रकरण जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार आप देखेंगे दो तरफ से बात करते विपक्षी दल के लोग एक और बोलते हैं कि थाना में पीड़ितों की बात नहीं सुनी जाती दूसरी अगर पीड़ितों की बात सुनी जाती है तो उसको बदलापुर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो B टीम है वो एक प्रकार इस प्रकार की बातें कर रही जैसे घोटाले पे अगर कार्रवाई हो तो भाजपा बदलापुर चिल्लाती है DKS घोटाले में कार्रवाई हो तो भाजपा बदलापुर चिल्लाती है चीट फंड कंपनियों के प्रॉपर्टी के मामले में कार्रवाई हो तो BJP बदलापुर चिल्लाती है। वही स्थिति आज JCC का भी लगता है। मैं कहता हूँ कानून पे इनको भरोसा रखना चाहिए जांच का विषय है और एक मौत होती है एक परिवार का चिराग गुजर जाता है उसका भाई पीड़ित जो है पीड़ित परिवार वो शिकायत दर्ज कराता है उस शिकायत पे कार्रवाई हो रही है इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। जी भगवान जी क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने B टीम कहा ये बता दूं कि आज आप खुद मौका को देख करके और सत्ता का लाभ पाने के लिए आप अपने विचारधारा से हट करके शिवसेना जैसी पार्टी से आप हाथ मिला लेते हैं तो B टीम तो आप खुद है आज शिवसेना के आप B टीम बन चुके हैं। अब महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़ की बात करें B टीम का आरोप लगता है भगवान जी महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़ B टीम का उदाहरण दिया जी अभी 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 कोरबा में हमने समर्थन दिया शायद BJP की B टीम होती तो हमारे दो पार्षद आज वहां पर समर्थन नहीं देते और वहां पर इनका कांग्रेस से नहीं बनता वो बात अलग है। रही बात देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से घटना घटित है और बहुत दुखद घटना है हम उस पीड़ित परिवार के साथ है कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी है उनके बच्चे हैं कहीं ना कहीं लेकिन ये जो पूरा मामला है ये दुर्भावनापूर्वक है राजनीतिक षड्यंत्र है स्पष्ट रूप से दर्शित होता है क्योंकि पुलिस थाने में कह रहे हैं आज भी जाइए ऐसे कई सारे मामले हैं जो वास्तव में जो अपराध घटित हुआ उस पर पुलिस कहीं ना कहीं उसको लिपापोती करने का प्रयास करती है उस पर FIR दर्ज नहीं करती है और यहाँ पर तो ये इतनी गंभीर मामला है इस मामले पर कम से कम एक बार पुलिस को कायदे से एक जांच की जानी चाहिए था कम से कम वहां पर जा करके जो वहां पर वास्तविक स्थिति है अब उसको देखनी चाहिए पूछताछ किए बगैर क्या आपको लगता है पुलिस का बिना पूछताछ के वहां पुलिस नहीं गई होगी वहां पुलिस नहीं गई होगी पूछताछ नहीं की होगी निश्चित रूप से देखिए जब रात को 1:30 बजे FIR हो जाता है तो अब छत्तीसगढ़ की पुलिस से हम क्या भरोसा कर सकते हैं जी रात मतलब दिन में सुबह करते अगर FIR तो भरोसा था नहीं भरोसा तो है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जो एक कहीं ना कहीं से जो एक षड्यंत्र जो है कहीं कहीं ना कहीं उसकी जो एक दुर्भावना जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शित होती है लेकिन भगवान जी एक बताता है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। भगवान जी एक हमको चिंता है चिंता इस बात की है B टीम कही जाती खैर आप तो उसका खंडन करेंगे ही लेकिन सामान्य तौर पर एक राजनीतिक विश्लेषक जो भी रहे छत्तीसगढ़ के उनका कहना था कि जो 2008-2013 में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जोगी जी का BJP सपोर्ट हुआ जिसके कारण कांग्रेस नहीं आ पाई
खैर मुद्दा अलग है। अभी अभी हाल ही में आपने विपक्ष यानी बीजेपी का साथ दिया, उन्होंने विधानसभा में अभिभाषण का राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, आपने भरपूर साथ दिया, उन्होंने जैसा कहा वो उन्होंने बहिष्कार किया, आप भी बहिष्कार करके चले गए, लेकिन जैसा आपके ऊपर जैसे संकट आए बीजेपी छू अंतर हो गई, आपको छोड़ गई, अब बीजेपी के साथ मत दीजिएगा आप। देखिए सांप्रदायिक ताकतों के साथ हम कभी भी नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कभी खड़े नहीं रहे, ये बात अलग है कि कांग्रेस हमेशा जोगी जी की पार्टी को बी टीम कह करके निराधार आरोप लगाती रही है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हमारा कभी भी जब मिलान नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं, विपक्ष के रूप में एक आवाज उठाना होगा तो निश्चित रूप से हम वहां पर खड़े होकर के आवाज को उठाते रहेंगे। लेकिन चुनाव के पहले जब बीएसपी से आपका गठबंधन हुआ था तो सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय में लड्डू बटे थे। देखिए वो क्यों बांटे थे वो तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दे सकते हैं, उनके प्रवक्ता बता सकते हैं। जी चलिए मनोज जी, एक सवाल आपसे है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि कहा जा रहा था, जोगी जी ने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि नगर निगम और विधानसभा लोकसभा छोड़ दिए, हमारी पंचायत में हमारी जो पकड़ है, गांव में जो मेरी पकड़ है उसमें हम बताएंगे कि हम किस तरह से जोगी जी का डंका बजता है। अब इस घटना के बाद पंचायत चुनाव में क्या फर्क पड़ना है? देखिए सर, जिस तरह का अनिल जी ने बताया कि जो धारा 306 है जिसके तहत अपराध दर्ज किया है वो गैर जमानत वाला अपराध है, तो कहीं न कहीं अभी तत्काल इस एफआईआर से जरूर तत्कालिक तौर पर जोगी परिवार के जो दो प्रमुख सदस्य हैं उनको जरूर परेशानी होगी, और अभी कोर्ट कचहरी और दूसरे चीजों में वो उलझेंगे, और इसी महीने के आखिरी में पंचायत चुनाव होना है, तीन चरणों में होना है, 28 जनवरी को पहला चरण है, फिर 31 जनवरी को दूसरा चरण है और 3 फरवरी को तीसरा चरण है, तो निश्चित तौर पर जो फोकस चुनाव में उनको करना था, कुछ जो अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो प्रचार प्रसार करना था तो वो अब उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसका निगेटिव असर जो है वो पंचायत चुनाव में दिखने को मिलेगा। नहीं, निगेटिव मिलेगा कि हो सकता है सिंपथी भी हो, फंसाया गया है, सिंपथी लहर भी बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसको किस तरह से वो एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि इनके प्रवक्ता भगवानु नायक जो बोल रहे हैं कि साजिश इसलिए लगती है कि रात को 1:30 बजे एफआईआर हुआ, दूसरे कोई तथ्य मजबूत तथ्य जो है ये सामने नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कि ये इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि जो पुलिस ने जो मेन मुख्य बात एस्टेब्लिश करने के लिए रखी है कि चांदी की कैटली की चोरी क्या मरवाही सदन से हुई थी, क्या उसके लिए उस संतोष कौशिक को डांटा फटकारा गया था, इस बात पर कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि मुख्य वजह यही बताई जा रही है और इसी के कारण जो है ये पूरा पुलिस ने इसको एस्टेब्लिश किया है कि चोरी के मामले में उसको प्रताड़ित किया गया जिससे निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन चांदी की केटली चोरी गई, इसकी कोई एफआईआर हुई है नहीं हुई? नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर हुआ होता तब तो फिर पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता कि यदि जो पीड़ित जो मृतक के बड़े भाई हैं उनका ये कहना था कि इस बात को लेकर धमकाया गया था उसको कि तुम बता दो कि तुम चोरी किए हो, नहीं तो फिर तुमको जेल में डलवा देंगे, एफआईआर करा देंगे, लेकिन एफआईआर हुआ नहीं था, तो मुख्य बात अब वहीं पे जांच का प्रमुख विषय यही है कि क्या उस तरह की कोई सामग्री की चोरी हुई थी जो जोगी कर्मचारी में और जोगी बंगले में जो और भी कर्मचारी काम करते हैं वो इस बारे में क्या बताते हैं कि क्या वास्तव में इस तरह की चोरी हुई थी और क्या उसको इस बात के लिए डांटा गया था, तो ये एक जांच का प्रमुख विषय हो सकता है, इसको किस तरह से हैंडल करती है जोगी कांग्रेस, उसके बाद सिंपैथी मिलने की संभावना बनेगी। जी भगवानी जी, कुछ कहने वाले थे आप? देखिए आदरणीय, पुलिस अपना किसी भी प्रकरण को बनाने के लिए जब किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा या कोई मामला बनाना हो तो इस प्रकार की कई सारी नई कहानियां बनाती है, और पुलिस ने इस प्रकरण में भी एक नई कहानी बना करके जो है वो मामला बनाई है, ये निराधार है, और ये मामला अगर न्यायालय में जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हमारे नेता को न्याय मिलेगा, नेतागण को। चलिए, कब तक धनंजय जी आप पिता पुत्र को अरेस्ट कर रहे हैं, कब तक अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए ये पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण को देख रही है और ये पूरी जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन जो है कानून के सम्मत करेगी और
जांच का विषय है और जांच अभी चल रहा है, तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है। मतलब योगी परिवार पे, पिता पुत्र पे आप तलवार लटका के रखेंगे कि जब चाहेंगे हम अरेस्ट कर लेंगे, अभी आप चुपचाप बैठे रहिए पंचायत चुनाव तक? नहीं देखिए, ये एक पीड़ित को न्याय दिलाने का मामला है, एक परिवार का चिराग बुझा है, एक मुखिया जो है सुसाइड कर लेता है और उसके परिवार के लोग जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के उनको न्याय दिलाने का काम पुलिस प्रशासन का है और निश्चित तौर पर यहाँ पे कानून अपना काम कर रही है, यहाँ पे पुलिस जो है अपने काम को कार्रवाई को आगे कर रही है। जी भगवान जी, इस प्रकरण में पुलिस का काम न्याय दिलाना नहीं है, पुलिस का काम फंसाना है। न्याय तो माननीय न्यायालय देगी, जिस पर हमेशा भरोसा है। जी वही तो मैं रंजन से पूछ रहा हूँ कि पुलिस अपना काम एफआईआर दर्ज कर चुकी है, एफआईआर दर्ज ही है, यानी सीधे सीधे अरेस्टिंग हो रही है, अरेस्टिंग करके वो कोर्ट में ले जाना है, कोर्ट का मामला है ये, तो अरेस्टिंग कब तक कर रहे हैं आप? वही तो मैंने कहा, पूरे प्रकरण की जांच का विषय है और जो भी उसमें आगे जो कार्रवाई होगी पुलिस अपने कार्यविधि के अनुसार करेगी उसमें कार्रवाई। जी अनिल जी, जैसे बता रहे हैं अब एफआईआर हो गई, अभी भी जांच का मामला है क्या? सामान्यतः जहां तक मुझे मालूम है पहले जांच होती फिर एफआईआर होती, कि सीधे एफआईआर हो जाती है फिर आगे जांच होके एफआईआर केस भी करेंगे? देखिए सर, एफआईआर का फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। कोई व्यक्ति अगर किसी मामले में शिकार है या उसको कहीं आहत हुआ है तो थाने में जाए और पुलिस को रिपोर्ट लिखाना, और पुलिस का काम है रिपोर्ट दर्ज करना। जी उसके बाद इंक्वायरी होती है, चालान पेश होता है, केस डायरेक्ट कोर्ट में जाती है और कोर्ट में फिर यह साबित करना होता है आरोपी पक्ष को कि क्या करना है। लेकिन कुछ देखा पिछले कई सालों में कुछ क्लॉज ऐसे बना लिए हैं जो असरकारी तबका है, एक रास्ता यह निकाला गया कि एफआईआर से पहले उनकी जांच करा ली जाए ताकि ये तबका जो कह सकते हैं हैसियत है जिनकी प्रभावशाली है उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, अपने समाज के कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इन सब से बचने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या संविधान या भारतीय दंड विधान की जो धाराएं कहती हैं उसमें तो यह कि कोई भी जाके रिपोर्ट लिखाएगा, और पुलिस का काम है रिपोर्ट लिखना। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे, डीजी ने इसी बात को हवाला देकर पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सभी को निर्देश दिए कि एफआईआर पर तुरंत अमल किया जाए। तो पुलिस अभी तक तो ठीक नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की मंशा पर जो सवाल उठना है वो कोर्ट में जोगी परिवार को साबित करने पड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका, धनंजय जी और मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो घर में काम करने वाले कर्मचारी की खुदकुशी करने के बाद से ही जोगी परिवार सवालों के घेरे में था। वहीं मृतक के भाई ने ये बात कहकर की कि संतोष कौशिक को खुदकुशी के लिए अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने उकसाया था, इसने पिता पुत्र की मुश्किलों को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उस वक्त परेशानी में डाला है जब पंचायत चुनाव सिर पर है। अजीत और अमित जोगी पर एफआईआर दर्ज होना राजनीतिक से प्रेरित है या नहीं ये कोर्ट में तय होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जोगी परिवार सवालों के घेरे में आया है उसके बाद अजीत जोगी की पार्टी JCCJ जिसके अध्यक्ष उनके बेटे अमित जोगी हैं उसका जनाधार घट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पंचायत चुनाव में जनता कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं जहां केंद्र की ओर से राज्य के हक पर डाका डाला जा रहा है और सवाल उठ रहा है आखिर ऐसा कब